नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर के धुलतुला से। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय का, जो कि मतदाता अभिनंदन के कार्यक्रम में शामिल हुए, सीधी तस्वीरें धुलतुला से। मामला भी हमन और भी करबो और सरकार में पारदर्शिता हो, एकर लिए भी हमन काम करथन और कई ठन नया रिफॉर्म, नया परिवर्तन हमारे सरकार में लाना थन। जो शराब में, जो कोयला में, जो घोटाला होत रहीस, जो कमीशन खोरी होत रहीस, वो सब ला हमन दूर करथन। ऑफलाइन ला कोयला में खत्म करके ऑनलाइन कर दहन। शराब में जो FL-10 में कमीशन खोरी होत रही, वो FL-10 हटा दहन। अब अभी दो तीन दिन पहले हमन जो 72,000 से ज्यादा मितानिन हमार दीदी बहनी मन है पूरे प्रदेश में, उमन के जो राशि वो अटक अटक के आत रही से, दो दो महीना, ढाई ढाई महीना में पैसा मिलत रही से। लेकिन अब उमन के लिए भी नवा सौगात एक कार्यक्रम शुरू करे हैं और उकर माध्यम से 72,000 से ज्यादा हमार दीदी बहनी मन के खाता में सीधे प्रदेश से उमन के खाता में उमन के राशि चले जाएगी। तो ये आप मन के आशीर्वाद से सरकार कैसे साफ सुथरा हो, कमीशन खोरी के सारा जगह बंद हो, एक हमारे सरकार काम करत है। और ये मतदाता अभिनंदन के कार्यक्रम प्रदेश के आह्वान पर हर विधानसभा में चलत है। आज यहाँ कुनकुरी में शुरू हुई से, एक बाद पत्थलगांव और जसपुर भी हो ही, और उकर बाद जिला में भी ये कार्यक्रम हो ही। तो ये सब है, आज ज्यादा कह के वक्त नहीं है। बहुत मांग हमार जनप्रतिनिधि मन के तरफ से आई से, तो सबके सब काम ला हम धीरे धीरे करबो। लेकिन आज के अवसर में हमार हेलीकॉप्टर में आत रहे तो हमार पवन भाई साहब, राम प्रताप जी यहाँ इन, तो हमार यहाँ के सब नेता मन के आग्रह हुई कि ये धुलतुला में एक अच्छा बड़ा मकान बनना चाहिए, जो सामुदायिक भवन तो रहे लेकिन वो शादी ब्याह के भी उनमें काम आए, वहां शादी के स्टेज उस्टेज ग्रीन रूम वगैरह सब कुछ बने। तो आज मैं ऐसे एक व्यवस्थित सामुदायिक भवन निर्माण धुलतुला में एकर लिए 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूं। और यहां बस स्टैंड के भी मांग हो थे, ये बस स्टैंड के भी मैं घोषणा करत हूं। हमार युवा साथी मन उमन के मांग है कि यहां पर एक मिनी इंडोर स्टेडियम हो, ये मिनी इंडोर स्टेडियम के भी मैं घोषणा करत हूं। और यहां हायर सेकेंडरी के भवन नहीं है तो हायर सेकेंडरी भवन के भी यहां घोषणा करत, एक दुर्गा पंडाल ओकर भी आवश्यकता है, दुर्गा पंडाल के लिए भी मैं 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और हमारे यहां सोको डिपा में हमारे यादव समाज के अस्पहरी वगैरह हर साल होते, हमन भी में आथन तो वहां सुंदर मंडप तो बनवाए हन, लेकिन वहां बाउंड्री वाल की आवश्यकता है तो बाउंड्री वाल के लिए मैं 15 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और यहां हमारे कालेश्वर जी उपस्थित हैं, समाज सेवी जो लगातार समाज सेवा करते रहते हैं। और शारदा धाम में वहां डेवलप होते, वहां के विकास होते, तो वहां के जो जमीन के मांग करीन है वो जमीन के मैं घोषणा करता हूं, शासन के तरफ से पूरा जमीन वो शारदा धाम के समिति ला दिए जाएगी। और अभी हमारे कपिल देव जी मंडल अध्यक्ष की मांग रही से कि धुलतुला में एम्बुलेंस के कमी हो जाए 108 के, तो 108 एम्बुलेंस काले मल्ला मिल जाए। और एक 100 वाहन के भी कमी यहाँ रही तो कले 100 वाहन भी यहाँ धुलतुला में आ जाए। और बाकी जो भी आवेदन आई से सब जरूरी है, आप मतलब मैं विश्वास दिलाता हूं, आप उनके विधायक के नाते, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि आप सबके कामला
हमन धीरे धीरे करबो और कुनकुरी विधानसभा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ला दिलाए बर मैं समस्त कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन हमर मंडल अध्यक्ष बन पदाधिकारी मन हमर भरत सिंह भी प्रभारी रहिन महामंत्री कुनकुरी विधानसभा के वो सब के रामकिशन जी मन पूरा जिला के प्रभारी रहिन सब कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रही वो सब ला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति के लिए और आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मान्य कपिल